अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, कुछ मेन चीज़ें ही मेरी ख़त्म हुई हुई थी। नमक हो गया, पत्ती, साबुत गरम मसाला भी थोड़ा सा रह गया था तो वो भी डाल के रख दूँगी डब्बे में। और कुछ पैकेट्स ये शान के पुलाव बिरयानी हो गई, सिंधी बिरयानी, कौरमा, शामी कबाब, ये सारे मैंने ऑर्डर किए थे। अच्छा, मेरे ये पैकेट्स बस एक दफ़ा मंगवाने के होते हैं और काफ़ी टाइम निकल जाता है। 1 महीना तो मेरा, 1 से 1.5 महीना तो निकल ही जाता है, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो जाता होगा, क्योंकि मैं जस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करती हूँ। मैं घर के मसाले ही ऐड करती हूँ, जो भी खाना बनाऊँ उसका ज़्यादा टेस्ट होता है घर के मसालों का, पैकेट का तो जस्ट एक नाम होता है। अच्छा, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ना सेट करके रख दूँगी और इधर मैं बनाने लगी थी। ये मेरे पास हैं कैरेट्स, मैं बनाऊँगी गाजर की खीर। दूध में मैं इलायची डाल के भी बनने रख रही हूँ, थोड़ा पकने। राइस ओवरनाइट मैंने सॉक किए थे, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। चावल मैंने एक रात पहले 1 मुट्ठी लेकर भिगो के रख दिए थे। अगर आप 1 कप या हाफ कप भी क्वांटिटी के हिसाब से ही लेके भिगो के रखते हैं। अच्छा, एक रात पहले भिगोने से ये होता है कि मैं ना उसी पानी में फिर ब्लेंड कर लेती हूँ और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और एक फिरनी की तरह से ना खीर बनती है। चाहे तो आप उसी टाइम अर्जेंट भी जो है ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें ना खीर में ज़रा चावल मोटा मोटा लगता है। इस तरह से खीर में बिल्कुल ही घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, फिरनी वाला टेक्सचर आता है। तो मैं हमेशा जब भी खीर बनाती हूँ ना, एक रात पहले ही जितने भी मैंने बनानी है उस हिसाब से मैं चावल भिगो के रख देती हूँ। दूध को जो है बॉयल तो आया हुआ था, लेकिन पकने रख दिया था। मैंने इलायची ऐड करके, और आंटी ने मुझे कद्दूकश कर दी थी गाजरें, तो बस मैंने वो ऐड कर दी थी इसमें और खूब ही पकाऊँगी मैं इसको। उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड की थी और गाजर की खीर हमारी तैयार हो गई थी। तो इसमें नट्स वगैरह नहीं मैंने ऐड किए, क्योंकि मुझे था मैं इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे कोकोनट पाउडर अच्छा लगता है गजरेले के अंदर। अच्छा, जैसे ही खीर तैयार हुई ना, तो मैंने सबसे पहले आंटी को दी थी डाल के, क्योंकि मैं कोई भी जब भी ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, कोई स्पेशल चीज़ हो गई या सूप हो गया, खीर हो गई या कड़ी, मैं लास्ट में आंटी को देती हूँ, सबसे पहले मैं उनके लिए ही निकालती हूँ। यहाँ पे वो रोटियाँ भी बना लेंगी, शाम का टाइम हो रहा है। और मैंने इस दिन खाना वगैरह तो कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि एक रात पहले का लेफ़्ट ओवर सालन रखा हुआ था, तो मैंने कहा मैं वो आज वही चलाऊंगी, उसी से गुजारा करेंगे। और बस मैंने खीर बनाई थी, क्योंकि सर्दियां हैं और फिर सर्दी में जो है ना गैस का प्रॉब्लम हर जगह, हर घर में ही होता है। एक्चुअली मैं सिलेंडर वगैरह का भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। चाहूँ तो मैं रख भी सकती हूँ, बट मैं ये अवॉइड ही करती हूँ इस तरह की चीज़ें। फिर रात में गैस बहुत तेज़ आती है ना, तो फिर मैं रात को ही, मेरा दिल करता है मैं कुछ पका के कुकिंग करके रख दूँ, तो इसलिए मैंने एक रात पहले ही खाना बना के रख दिया था। और आंटी से बस नेक्स्ट डे रोटियां बनवाईं। यहाँ पे मैंने बना ली थी गाजर की खीर, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अच्छा, यहाँ पे मैं सारी निकाल दूंगी और फिर जो थोड़ी लगी रह जाती है ना, तो मैंने आंटी से कहा था स्पून से अच्छी तरह साफ़ करके फिर इसको वॉश करिएगा, क्योंकि मेरा बड़ा होता है कि ज़रा सा भी जो है ना कोई चीज़ वह ऐसे नाली में न जाए, ऐसे फिके ना। रिज़्क की जो है ना बेकदरी होती है इस तरह से, तो मैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट करती हूँ ऐसी चीज़ें। और आंटी ख़ुद भी ख्याल करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरी आदत कैसी है, तो फिर वो ख़ुद भी ये चीज़ें ज़रा देख के ही करती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दी थी और कोकोनट पाउडर मेरे पास है, उसको मैं बस ऊपर से डाल दूँगी। हो जाता है, चलो 2 दिन नहीं उसको रख देंगे, दूसरे काम में होता है, चलो दूसरे तीसरे दिन धोएगा। कोई जूती अगर है तो, और नहीं तो है इसको कोई देती थी सिर्फ वाश नहीं कर रहा है और इधर मुझे आंटी कह रही थी कि लाइबा के लिए कोई न्यू स्लीपर लेके आए। लाइबा जो कि मिरहा के लिए हमने एक बच्ची रखी है उसको लुक आफ्टर करने के लिए। तो उसकी चप्पल ऐसी है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी छोड़ देती है। आंटी सफाई करती हैं, मोपिंग करती हैं, वो भी चैन से नहीं बैठती, टिक कर एक जगह नहीं बैठती, फिरती रहती है अंदर बाहर मिरहा के साथ। उसको प्राम में लेके तो बस कभी किचन में आ जाती है मेरे पास या कभी रूम में चली जाती है। तो मैंने आंटी से यही कहा मैं जब मार्केट जाऊंगी तो फिर इसके लिए इसकी स्लीपर लेके आऊंगी। अभी तो घर में जो भी एक्स्ट्रा है वो इसको दें, उसी से गुजारा करें फ़िलहाल। सफाई के लिए भी मैं आंटी से कहती हूँ कि झाड़ू वगैरह तो डेली ही होती है, रूम्स की, किचन की सफ़ाई और ऊपर की भी डस्टिंग वगैरह। तो मोपिंग का, टाकी वगैरह, पोछा लगाना उन्हें मैं कहती हूँ कि आप सर्दी में एक दिन छोड़ के लगा दिया करें, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे घर कौन से कोई इतने बच्चे हैं जो गंद मचाते हैं, तीन ही तो हम लोग हैं। और छोटी सी हमारी अभी बेटी है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक 17 को अल्हम्दुलिल्लाह साल की हो जाएगी। और यहाँ मैं बना रही थी जी गाजर का जूस। तो अक्सर मैं इसमें चुकंदर ऐड करती हूँ, ऑरेंज ऐड कर देती हूँ, उससे बहुत अच्छा बनता है और हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बहुत बेनिफिट्स हैं गाजर के जूस के। तो यहाँ पे हस्बैंड बाहर काम कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे भी दे दो। और अक्सर कोशिश किया करें कि सुबह निहार मुँह पिया जाए या शाम के टाइम, तो ठंडी लगती है सर्दियों में, ठंडा ठंडा नहीं पिया जाता रात में या शाम में। तो बस मैं एक ग्लास हस्बैंड के लिए भी ले जाऊँगी बाहर, वो बैठे काम कर रहे हैं, उनको भी दे दूँगी। यहीं पे करते हैं जी ब्लॉग का एंड। जो भी लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी।